आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजारों की चाल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और बाजारों की चाल में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पर कमोडिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में कमोडिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है, किस कमोडिटी के अंदर आगे जाके मुनाफा कमाया जा सकता है और कौन सी कमोडिटी में निवेश करने पर बेहतर मुनाफा मिलेगा आज के कारोबारी सत्र में, ये सब जानने की कोशिश करेंगे और एक्सपर्ट से भी सवाल जवाब करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करें हम यहाँ पर नॉन एग्री कमोडिटीज में सोने चांदी से। तो सोने में देख रहे हैं कि सोना $1905 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है, आधे फीसदी की बढ़त है। वहीं सिल्वर भी $23.7 पर ट्रेड करती नज़र आ रही है। सोने चांदी में देख रहे हैं कि एक वॉलेटिलिटी के साथ, एक नरमी के साथ ट्रेड होता नज़र आ रहा है। तो अब यहां से सोने चांदी के बाज़ार में क्या करके चलना सही रहेगा, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी और क्या लेवल्स रहेंगे, जान लेते हैं अपने एक्सपर्ट से। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं IIFL सिक्योरिटीज़ के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता जी। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम सीवी पर। जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज जी। अनुज जी, गोल्ड सिल्वर में आपको क्या लगता है? गोल्ड सिल्वर में देख रहे हैं कि वॉलेटिलिटी के साथ साथ जो प्राइसेस हैं कभी $2000 के करीब चले जाते हैं तो करीब कभी $1800 तक नीचे में आ जाते हैं। ऐसे में गोल्ड और सिल्वर में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे लॉस से बचा जाए और जिससे अच्छा मुनाफा कमाया जाए? देखिए, गोल्ड सिल्वर में जो ट्रेंड बना है वो अभी थोड़ा सा नेगेटिव बना है, क्योंकि जिस तरीके से फेडरल बैंक ने अग्रेसिव इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात बोली है उसकी वजह से हमने देखा है कि गोल्ड सिल्वर में प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है कि अभी गोल्ड सिल्वर में शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और गोल्ड के भाव नीचे करीबन $1890-1880 तक आ सकते हैं। MCX की अगर बात करें तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि गोल्ड का भाव नीचे 51,000 तक आ सकता है और सिल्वर का भाव नीचे करीबन 64,000 तक आ सकता है। तो जो हमने गिरावट देखी है यहाँ पर, वो लगता है कि कुछ एक दो दिन और यहाँ पे गहरा सकती है। जी, यही से जी, क्रूड में क्या लगता है आपको, क्रूड में ये जो गिरावट आई है ये किस वजह से आई होगी? क्रूड के अंदर जो गिरावट आई है इसके पीछे रीजन ये कि IMF ने अभी ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट कम किया है जिसकी वजह से डिमांड कम होती हुई दिख रही है। हमें लगता है कि यहाँ पर अभी कुछ और गिरावट देखने को मिल सकती है क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर अभी चाइना में कोरोना वायरस केसेस फैले हैं और जिस तरीके से ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट लो ही है, उससे हमें लगता है कि भावों में आने वाले दिनों में कुछ और नरमी रह सकती है। तो क्रूड के भाव एक्सपेक्टेड है नीचे करीबन $95 तक आ सकते हैं। जी, इसे मुझे बेस मेटल्स में क्या भी स्ट्रेटजी होनी चाहिए? बीच मतलब यहाँ पर दिवाली का डेट रह सकता है क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ पर एक तरीके से जो डिमांड आउटलुक है वो थोड़ा सा वीक हुआ है। हमें लगता है कि इसकी वजह से बीच मतलब की गर्मी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। जी अनु जी, नेचुरल गैस को हमने बीते कारोबारी सप्ताह ऑल टाइम हाई पर जाते हुए देखा था, आज देख रहे हैं कि $7 के ऊपर ही मेंटेन है, सस्टेन है। ऐसे में आपको क्या लगता है, नेचुरल गैस के फंडामेंटल स्ट्रांग हो चुके हैं जो नेचुरल गैस को तेजी की ओर लेके जा रहे हैं, या फिर जो रशिया पर बैन लगाए जा रहे हैं उसकी वजह से नेचुरल गैस में तेजी आ रही है? देखिए, जो नेचुरल गैस में है वो बैन की वजह से है, मगर दूसरी तरफ लगता है कि यहाँ पे डॉलर में तेजी आने की वजह से नेचुरल गैस में इंपैक्ट हुआ है। हमें लगता है कि अभी फिलहाल नेचुरल गैस में एक हाई बनते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है कि यहाँ पर आधी गिरावट ही देखने को मिलेगी। यहाँ पर हमारा विचार अभी दिवाली का ही रहेगा। हमें लगता है कि सेवन टाइप का मार्केट नेचुरल गैस पे रह सकता है और भाव नीचे करीबन अगर देखा जाए तो 500 रुपए तक का लेवल दिखा सकता है। जी अनुज जी, नॉन एग्री में टॉपिक्स क्या देने चाहेंगे आप? लेकिन नॉन एग्री में हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर दिवाली का ट्रेड ले सकते हैं, नीचे गोल्ड का भाव 51,000 तक के लेवल दिखा सकता है। जी, तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज की। यहाँ सब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एग्री कम्युनिटीज की, जानेंगे अनुज जी से कि एग्री कम्युनिटीज का बाजार कैसा रह सकता है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले खाद्य तेलों के बाजार से, यानी एडिबल ऑयल पैक से। अनुज जी, खबरें निकल के सामने आ रही है कि इंडोनेशिया 28 अप्रैल से CPO के एक्सपोर्ट पर बैन लगा सकता है, रोक सकता है। आपको क्या लगता है, अगर बैन लगता है तो इसका असर खाद्य तेलों के बाजार पर कितना देखने को मिल सकता है, क्या प्राइसेस होंगे अब आगे? देखिए, खाद्य तेलों की बात करें तो CPO पे हमें लगता है कि CPO पर तो बैन नहीं लगेगा,
कहीं ना कहीं देखें तो हमें लगता है कि इंडिया के पास काफी अच्छे टर्म कंडीशन है, तो सीजीओ पर तो बैन नहीं लगता है, हमें लगता नहीं है ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट आप थोड़ा सा भी प्रेशर हमने देखा था, बट हमें लगता है कि यहाँ से अच्छी खासी रिकवरी जो है प्राइसेस में रहेगी। और अब जो मीटिंग है उनका, अगर वो मीटिंग होता है और वहाँ पर जैसा उसका आएगा, हम देखेंगे कि बाबू में आने वाले लोग नकदी देखने को मिलेगी, का जो बैन है वो हमें लगता नहीं कि यहाँ पर उनका वो दिखाइएगा। तो अल्टीमेटली जिस तरीके से सरसों के भावों में गिरावट आई है, हमें लगता है कि आने वाले दिनों में एडिबल ऑयल हम कुछ सर भी देख सकते हैं जी। यहीं से मुझे सोयाबीन की बात करें तो यूएस सोयाबीन को हमने हाल ही में $1700 के ऊपर जाते हुए देखा था, अब देख रहे हैं $1688 के आसपास ट्रेड करती नजर आ रही है, आपको क्या लगता है आगे सोयाबीन की, सोयाबीन का भी सीजन आ जाएगा तो ऐसे में क्या अभी सोयाबीन में यहाँ से नरमी देखने को मिल सकती है या फिर अभी यहाँ से तेजी भी बनेगी? देखिए हमें तो यहाँ पे नरमी लगती है क्योंकि भाव काफी ऊपर में है और ज्यादा प्राइस होने की वजह से डिमांड भी कम है, IMF ने ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट कम किया और आगे यूएस के अंदर भी नई क्रॉप का स्विंग स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा, तो हमें लगता है कि आगे सोयाबीन में नरमी देखने को मिलेगी जी। अनुजी बिनौला खल में क्या लगता है आपको? बिनौला खल में हमने 3000 का लेवल नीचे में टूटता हुआ देख चुके हैं, 2800 के लगभग करीब बिनौला खल ट्रेड करता नजर आ रहा है, अब क्या बिनौला खल में इससे भी ज्यादा भाव गिरेंगे या फिर निचले स्तर से खरीदारी भी लौटेगी? देखिए जो हमने टारगेट दिया था करीबन 2900 का, वो यहाँ पर अचीव होता हुआ दिखाई दिया है, हमें लगता है कि अभी और यहाँ पे गिरावट का कंटिन्यू रहेगा और एक्सपेक्टेड भाव नीचे करीबन 2700 के लेवल को छू सकते हैं, तो बिकवाली का जो ट्रेंड है वो यहाँ पे जारी है क्योंकि डिमांड जो है वो यहाँ पे थोड़ी वीक होती हुई दिखी है, हमें लगता है कि अभी कॉटन सीड ऑयल केक में नरमी का ही रुख आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है जी। अनुजी कॉटन में क्या रहेगा, M6 कॉटन की बात करें अगर, तो क्या M6 कॉटन में भी यहाँ से कुछ करेक्शन देखने को मिलेगी या फिर इन स्तरों से इन लेवल से खरीदारी फिर से लौट जाएगी? देखिए कॉटन के अंदर भी हमें लगता है कि यहाँ पे नरमी का रुख देखने को मिल सकता है क्योंकि जिस तरीके से ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट कम किया है और यहाँ पर आने वाले दिनों में नई सोइंग भी स्टार्ट होगी, तो हमें लगता है कि कॉटन के प्राइसेस में नरमी देखने को मिलेगी और भाव नीचे करीबन 43,000 तक के लेवल को छू सकते हैं जी। अनुजी मसालों की बात की जाए तो मसालों में देख रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग तो बनती है लेकिन प्राइसेस ज्यादा नीचे नहीं जा पाते हैं, लेकिन प्राइसेस ज्यादा ऊपर भी देखने को नहीं मिल रहे, एक ऊपरी स्तर पर सीमित दायरे में फंस कर रह गए इस टाइम पे मसाले के दाम, आपको क्या लगता है क्या मसालों में अभी कुछ समय और ऐसी एक रेंज में कारोबार देखने को मिलता रहेगा? देखिए बिल्कुल मसालों के अंदर ट्रेंड डाउन हमें दिख रहा है यहाँ पे क्योंकि डिमांड थोड़ी सी यहाँ पे कम हुई है, हमें लगता है कि मसालों में अभी कुछ समय में भावों में नरमी का रुख रहेगा, एक्सपेक्टेड है जीरा के भाव करीबन 21,000 तक आ सकते हैं, टमरिक के अंदर भी करीबन 8,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, कोरिएंडर में भी करीबन 12,000 तक के लेवल आ सकते हैं, तो अभी जो करंट ट्रेंड चल रहा है यहाँ पर हमें लगता है कि मसालों में आने वाले दिनों में नरमी का रुख देखने को मिले जी। अनुजी रमजान का महीना है, होली भी पहले बीत चुकी है, हम अक्सर देखा करते थे कि जब जब रमजान का महीना आता था तो मसालों की जो एक्सपोर्ट डिमांड थी वो बढ़ जाया करती थी और मसालों के जो प्राइसेस थे वो अप जाया करते थे, लेकिन इस बार देख रहे हैं कि मसालों में तेजी तो है लेकिन वॉलेटिलिटी भी काफी ज्यादा है और अब जो मसालों का जो ब्रेकआउट लेवल है वो भी कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, आपको क्या लगता है क्या अभी एक्सपोर्ट डिमांड इतनी देखने को नहीं मिल रही है? देखिए एक्सपोर्ट डिमांड इस बार कम है क्योंकि ज्यादा प्राइस काफी बढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर जो शिपमेंट्स है वो थोड़ी कम एज कम्पेयर के मुकाबले जा रही दिख रही है, हमें लगता है कि अभी एक्सपोर्ट डिमांड कम रहेगी क्योंकि प्राइस काफी बढ़ गए हैं, हमें लगता है कि एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ने के लिए प्राइसेस को नीचे आना होगा तभी एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ेगी, तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हायर लेवल पर जो डिमांड है वो कम देखने को मिल रही है जी। अनुजी ग्वार कॉम्प्लेक्स में क्या लगता है आपको, आज हम देख रहे हैं कि ग्वार भी हल्की सी करेक्शन के साथ ट्रेड करता नजर आ रहा है, क्या ये करेक्शन अभी और नीचे जाएगी? देखिए बिल्कुल ग्वार के अंदर भी हमने देखा है कि जो फिजिकल के अंदर अराइवल है वो बड़ी है, हायर प्राइस होने की वजह से यहाँ पर आवक बढ़ती हुई दिखाई दी है, हमें लगता है कि अभी ग्वार में कुछ दिनों में अभी नरमी का रुख ही देखने को मिलेगा और एक्सपेक्टेड है ग्वार के भाव 6,000 तक और ग्वार गम के भाव नीचे करीबन 12,000 तक आ सकते हैं जी। अनुजी एग्री कम्युनिटीज में टॉपिक्स क्या देना चाहेंगे आप? देखिए टॉपिक में हमें लगता है कि कॉटन के अंदर बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं, नीचे करीबन 43,000 तक के लेवल कॉटन में देखने को मिल सकते हैं, वहीं अगर हम बात करें मसालों की तो यहाँ पर हमें लगता है कि जीरा के अंदर बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं, नीचे 22,000 तक के लेवल 21,500 तक के लेवल जीरा में देखने को मिल सकता है जी। बहुत बहुत शुक्रिया अनुजी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कम्युनिटी बाजार का अपडेट कि शाम के कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और किन कम्युनिटीज में क्या स्ट्रेटेजी बनाकर चला जा सकता है और कहां पर निवेश के मौके हैं। फिलहाल बाजारों की चाल में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत,
नमस्कार। आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।